ये देखो नीचे से देखो कितनी सी जगह पे रुका हुआ है ये पूरा। की पता नहीं मतलब डाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज बहुत ही दिनों के बाद मेरी लाइफ की ये पहली मॉर्निंग राइड है। सुबह के बज गया है 5:20। तो अभी जा रहा हूँ अपने पार्टनर को पिक करने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, प्लानिंग थी 5 बजे जाने की। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत लेट हो जाते कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अब निकलते हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपना महाबलीपुरम पार्ट 2 शूट करने के लिए। दिसंबर का महीना है, 17 दिसंबर है और ठंड यहाँ पे है ही नहीं है क्योंकि हम लोग चेन्नई में हैं, तो नॉर्मल सा वेदर है बिल्कुल। फिर भी जैकेट मैंने पहन रखी है पर ये राइडिंग जैकेट है। चलिए मिलते हैं आपको आगे कहीं पे बढ़िया जगह पे। तो ये भी टाइम हो चुका है 5:50 और अभी तक सूर्य देवता का नाम निशान नहीं है कहीं पे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है भाई यहाँ भी। और हमारे आगे जा रही है हैदराबाद वाली बस, चेन्नई टू हैदराबाद इंट्रासिटी। इसमें बहुत बड़ा ट्रैवल किया है मैंने, तो इसीलिए मुझे पता है। देखो खतरों के खिलाड़ी, चलती गाड़ी में लगे पड़े। अभी मैं रोड पे हम लोग आ गए, हो रहा है जाएगा आगे महाबलीपुरम। चलो यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको, ठीक है। लो जी, महाबलीपुरम में एक बार फिर से हमारा स्वागत है। तकरीबन 6 महीने के बाद ऑटो वाले ने व्यू खराब कर दिया है। चल यहाँ के तो लोकल है हम, हैं? आगे जाएंगे ना वहाँ पे। अरे चुप हो जाओ। तो भाइयों एक बार फिर से आपका स्वागत है महाबलीपुरम में। आपने अगर कोई भी बंदा बाइक से आ रहा है ना, आप लोगों को एक बात याद रखनी है, आपको पीछे आपको बहुत से बंदे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे बाइक यहाँ लगा दो, 50 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। आप लोगों को एक पैसा नहीं देना है, आपको सीधा डायरेक्ट आगे तक आना है जहाँ तक मंदिर का गेट है। ये देखो ये फ्री पार्किंग है, ठीक है। जस्ट ये सामने टेम्पल का गेट है, शोर टेम्पल का, ठीक है। और ये सारी पार्किंग फ्री है, एक भी पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आओ, सीधा गेट के पास बाइक लगाओ, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर से चल के आने की जरूरत नहीं है। और जाओ टेंपल के अंदर देखने के लिए, समझ गए। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ही कर देना, सब्सक्राइब तो दूर की बात है। ये देखो ये मंदिर है पीछे और ये हमने लगा दी अपनी बाइक जस्ट मंदिर के सामने। कोई पैसा नहीं है, फ्री है। चलिए अंदर फिर। और एक और बात और है काम की, वो ये है कि यहाँ का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट पता क्या है महाबलीपुरम का, वो है कैप्स, कैप, हैट, जो भी धूप से बचाए वो यहाँ का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये देख रहे हो पीछे हर शॉप पे ना आपको यहाँ पे कैप वगैरह हैट वगैरह बिकते हुए दिखेंगे। आज थोड़ी धूप कम है क्योंकि दिसंबर का महीना है, 17 दिसंबर, तो थोड़ी धूप सहने लायक है। गर्मी है पर सहने लायक धूप है थोड़ी, इतनी ज़्यादा प्रकोप नहीं हो रहा है। अदरवाइज तो भाई बाकी सारा साल में तो मर जाओगे आप, इतनी गर्मी होती है ना यहाँ पे, पसीने से नहा लेते हो आप, पता है। आज तो थोड़ा शुक्र है भगवान का। चलो बस चलते हैं अंदर, थोड़ा सा एक राउंड लेके फिर जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरी साइड वाला टेम्पो भी। यहाँ तो पहले बहुत बार आ लिया। इंडियन लोगों के लिए है 40 रुपीज़ की टिकट, और जो फॉरनर था उनके लिए 600 रुपये की, जनहित में जारी। भाई आज हम लोग ना अजीब तरीके का नारियल खा रहे हैं। ये कच्चा नारियल है अंकल, ये हाँ क्या बोलते हैं इसको, नारियल का फूल है ना ये, फ्लावर है ना। इसमें क्या मीठा डाला है, चीनी है, शुगर ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी कि ये जो टिकट है आपने शोर टेम्पल भी ली थी ना, सेम टिकट यहाँ पे वैलिड है, आपको नई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आप सेम टिकट से यहाँ पे आ सकते हो। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे भी देख रहे हो, ये 5 पांडवों के रथ हैं। सबसे पहले द्रौपदी जी का रथ है, दूसरे नंबर पर अर्जुन का रथ है, तीसरे नंबर पर भीम का रथ है जो कि सबसे बड़ा है, चौथे नंबर पर धर्मराज युधिष्ठिर जी का रथ है, और ये वाला रथ है ये नकुल और सहदेव का रथ है, दोनों का कॉमन। और हैरानी की बात यह है इन सब चीज़ों में जो सारे रथ हैं इनमें किसी में एक भी ज्वाइंट नहीं है, ये सिंगल पत्थर का बना हुआ है, एक ही पत्थर को तराश के पूरा कंप्लीट किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो बीच में शेर की जो मूर्ति है वो भी सिंगल पत्थर की है, और जो आप एलिफेंट देख रहे हो आगे हाथी देख रहे हो ये भी एक ही पत्थर का तराशा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी कोई ज्वाइंट नहीं है। आ जाओ आपको पास दिखाता हूँ। ये जो अभी आप हाथी की प्रतिमा देख रहे हो इसमें एक भी ज्वाइंट नहीं है, ये सिंगल कटिंग स्टोन का बना हुआ है, मतलब कि एक बड़ा पत्थर था चट्टान, उसको काट काट के हाथी की शेप दी गई है, देख रहे हो। तो बच्चे घुस गए हाथी की सूंड में, देखो। चलो अब यहाँ से चलते हैं, धूप बहुत तेज हो रही है। आपको मिलता हूँ आगे, यहाँ आगे भी है, यहाँ पे जगह दिखाने लायक। आज सारा कंप्लीट करके जाएंगे, यहाँ से पेंडिंग काम कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी वहाँ चुके हैं कैसे टेम्पल पे, जो कि जमीन से बहुत ज़्यादा हाइट पे है। जमीन से इसकी हाइट कितनी है आप देखिए। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, अभी इसी मंदिर के टॉप पे थे हम लोग, वहाँ पे ऊपर। और इसको देखिए कैसे बनाया गया है, एक पत्थर है बड़ी चट्टान, उसी को तराशा गया अंदर तक, तराश के अंदर मंदिर बनाया गया, ठीक। तो जी महाबलीपुरम के वीडियो के लास्ट पड़ाव में हम लोग पहुँचते हैं कृष्ण जी का माखन लड्डू, जो आप देख रहे हो पीछे। इसको नाम दिया गया है कृष्ण जी का मक्खन का लड्डू। तो ये कोई किसी तरीके से बनाया गया नहीं है, वहाँ पे रखा नहीं गया है, ये स्टार्टिंग से ऐसा है, ये प्राकृतिक है टोटली, ठीक है। शुरू में 20वीं सदी के स्टार्टिंग में इसको हटाने की कोशिश की गई थी, ताकि उनको लगता था कि ये कहीं गिर ना जाए, जो लोग विजिटर वगैरह यहाँ पे आते हैं उनको देखने के लिए, कहीं उनको ऊपर ना गिर जाए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए इसको हटाने की कोशिश की गई थी। तो पत्थर का वजन है जो है वो 250 टन के करीब, तो अपनी जगह पे ये जस का तस रहा, ये हिला नहीं है वहाँ से। और उसके बाद इसका ही छोड़ दिया है, अभी ऐसे ही पड़ा है, पूरी ढलान पे खड़ा हुआ है। देखिए आप, इतने बड़े आकार का होने के बावजूद, इतना वेट होने के बाद भी ये अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है, चाहे कुछ भी तूफान आ जाए या कुछ भी आ जाए। चलिए आपको पास जाके दिखाता हूँ थोड़ा। कैसे बैलेंस बना हुआ इसका, ये देखो नीचे से देखो, कितनी सी जगह पे रुका हुआ है ये पूरा। और यहाँ के लोग है देखो नीचे बैठे हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है किसी को। नरेंद्र पकड़ियो, जाऊँ फिर मैं। वैसे तो वैसे शर्ट करता नहीं हूँ। बस 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 बस, लोगों को हटा दे भाई। ठीक है चलो, इसको छोड़ने के लिए चलो। चलिए, महाबलीपुरम में जो भी दिखाने लायक था वो हम उनको ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, सब दिखा दिया है। यहाँ भी है पीछे ऐसी छोटी बड़ी जगह, ये देखिए। पर मुझे लगता है अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। चलो ये मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, या अगली वीडियो में कुछ अच्छा दिखाने लायक होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, अदरवाइज मिलते हैं आपको बाद में अगली वीडियो में। ठीक है।